और गरीब तबके
के नाल ताल्लुक रखने वाला क्यों ना होए, कब्र वाला घर सारे वास्ते इक्को जरी है। क्यों जी? अल्लाह की वंड तो कुर्बान जाइए तीन तिल नाम तो अल्लाह ने बनना एडिया सोहनी सोहनिया बनाइया ने कि अल्लाह क्या जो मेरे घर आना ना बैतुल्ला शरीफ शुमरा करना है हज करना फिर लिबास इको जहाँ पा के होना एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयास ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवास रब ने सारे रुतबे एक ही सब अंदर उस चक्कर अंदर सदर भी चल रहा उस चक्कर के अंदर वजीर भी चल रहा उस बैतुल्ला के तवाफ के चक्कर अंदर बड़ी आलीशान महल्लात का मालिक भी चल रहा है और एक बिल्कुल लो मिडल क्लास बल्कि बिल्कुल लो क्लास तबके का शख्स भी बैतुल्ला के गिर्द सफेद लिबास पा के चक्कर ला रहा है। इतों ही यह सबक हासिल कर लीए जो मौत का पैगाम आ जाना है बैड बिस्तर का निजाम खत्म लिबास कंडियां भोसियां लठे जनाब बड़ी आलीशान काटने का निजाम खत्म 50 रुपये मीटर वाला लठा कोरा सारे समेत मेरे पाया जाएगा जिन्हों जेबा भी कोई नहीं तो जिथे कब्र च रखिया जाना उथे पैसे रखने वास्ते सेफा भी कोई नहीं उस लिबास में जेबा भी कोई नहीं तो जिथे साइया रख के हाथी मिट्टी का झाड़ के वापस आ जाना है उथे पैसे जमा कर लई सेफा भी कोई नहीं इस वास्ते आओ उस घर की फिक्र कर लीए जिथे सारे दे नाल हाँ कोई नेक है उन्हें अच्छी जजा दी जाएगी वो बद अमालियां करने वाले हैं उन्हें बड़े बड़े अजाब के अंदर मुबतला किया जाएगा। अल्लाह करीम का कुरान इस बात का ऐलान करता जा रहा है अल्लाह पाक ने फरमाया मिन्ना खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह पाक ने 16वें पारे अंदर सूरह तौहा दी 55 नंबर आयत में मसला बयान फरमाया है इस जमीन विचो इस मिट्टी दे विचो मेरे ओ बंदे ओ मैं तुहानू पैदा कीता है व फीहा दोबारा इस अंदर ही लुटाए जाओगे व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा मैं तन्हाइयां दा घर हां मैं तन्हाइयां
किरदार कल मेरे अंदर आएगा। इतने जखम पे मारने हैं, जमीनों में बनाने हैं, जायदादा पे बनाने हैं, पता नहीं जुम्मा जमीन का नसीब भी होना है कि नहीं होना। इस वास्ते लोगों कबर के अंदरूनी मामला की फिक्र कर लो। अल्लाह पाक को हरदम दुआ करया करो। अल्लाह सोने कबर दिया सब्तियां को महफूज फरमा लेना। ड्रामा नहीं है, कोई फिल्म की कहानी नहीं, जड़ी चल गई ते बात खत्म, रात गई बात गई। ये बड़ा सीरियस ते हकीकत ते मबनी मामला है। इमाम अंबिया ने फरमाया कबर पुकार के की कहंदी है, आना बैतुल वहदा मैं तन्हाइयां वाला कर रहा, आना बैतुल जुल्मा मेरे अंदर अंधेर नगरियां ने, मेरे अंदर की है दीवा बाल छोड़ दीजिए, चुन चुन
ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਠੂਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਵਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਪਾਕ ਅੰਦਰ 6314 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੇ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਲਹਿਲਾਨ ਤਹਿਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਹਲੂ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਮਾ दो चीजा वापस आ जाए महबूब जी दो केड़िया फरमाया घर वाले भी वापस माल भी वापस माल बाकी रह गया माल बाकी रह गए इन्हें इतने अमलों के लगे होने ने एक कमरे तू जान दी नहीं हो ਮੌਜੂਦ
जैसे अल्फाज में आपने फरमाया फौत वाला फौत हो जाता है, बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। घर वाले नहलाते ने, गुस्ल कराते ने, जनाब कफन पहनाते ने, उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाते ने। एक जान वाला मोमिन है एक कह रहा होता है, हालांकि सुन वाले नहीं सुनते। इमाम अंबिया ने फरमाया कई मखलूकात को अल्लाह पाक ये आवाज़ सुनान दे कादर है, अल्लाह जन्नत में नदियां आवाज़ सुना देता है। ये जान वाला मोमिन है अल्लाह पाक का फरमा बरदार है, मेरे नबी का ना बेदार ते ना बुबदार है ना। ये कहता कि ये कद्दे मुनी छेती लेके चलो मेरे अंजाम की तरफ, मेरी जन्नत मेरा इंतजार भी कर दी है। आपने फरमाया कब्र में रख दिया जाता है मिट्टी का जनाब, अजे हाथ चार पे लोग दुआ कर वास्ते हाथ उठा लेते थे, उधर दो फरिश्ते के जनाब कब्र के अंदर आ जाते थे, एक का नाम मुनकर है दूसरे का नाम नकीर है। अगर मर्द वाला मोमिन में अल्लाह पाक का फरमा बरदार है, दावेदार है, ये बढ़िया खूबसूरत शक्ला बना के बड़े आलीशान लिबास पहन के आते थे, खुशबुआ हर पास हुले बरसा रही होंगी, ये बड़े प्यारे अंदाज उठा लेते थे, उठा के ते कब्र अंदर बिठा लेते थे। साडा ईमान है गैब वालियां गल्लां ते एक फिल्मां ड्रामियां दी कहानियां ने, एक अखबारात दी बातां ने, जनाब एवें कहवें कह के जनाब जाया कर दित्तियां जान। आपने फरमाया उठा लिया जांदा है, ते नसाई शरीफ दे अंदर हदीस दे अल्फाज ने जिहड़ा मोमिन ओह कहिंदा कि इहनां नाल अखियां पिया मलदा है, अखियां मलदियां मलदियां इहनूं इंज लगदा है जिवें सूरज डिगदे वे दिल डुबण वाला है। कहिंदा कि इह दौनी मारदा है, जनाजा ले जाया जाता, कहते मैनू कि चले हो, हाय हाय
ਔਰ ਸਖਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੜਾਕ ਤੜਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਚੂੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰ ਇੰਜ ਮਰੋੜੇ ਖਾਬ ਆ ਸਕਦੀ
नमाज़े असर का टाइम है, मैं इहराम पहने हैं ते बैतुल्लाह दा सेन दोवा ना फुल सफा बनिया ने ते एक बंदा आया उन्हें मैनू पकड़ के जनाब मुसल्ला इमामत ते खड़ा कर दिता है ना मेरी की शान है जे मैं दीन ना पढ़िया हुंदा ना तुसा मैनू जानना सी ते ना मैं तुहानू जानना सी जिवें साडे हालात ने ना वी ओवें दा रचिया बचिया जिहा इक नॉर्मल जिहा बंदा होना सी लेकिन ये अल्लाह पाक दे दीन दीयां बरकतां ने अल्लाह पाक दी नूं चाहे शाना ते मुकाम ते अज़मत अता फरमा दे। हाँ मैं गल की कर रहा कि ख्वाब आए कि मैं बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहा ते जदों अख खुले ना फिर तबीयत मुस्कुरा रही होंदी तबीयत हशाश हशाश होंदी बंदा चाई समाई सारिआं नूं दसदा फिरदा। मैं खैर अपने उस्तादा नाल गल की कि इहदा ख्वाब वेख्या मैं कह जी रुतबा ते बड़ा ज़्यादा है लेकिन उत्थे इमामत दा मिलना बड़ी शान है। मैनूं इह यकीन है कि तुहानूं रब बार बार अपने घर बुलांदा रहेगा। चलो अल्लाह उन्हां दी ज़ुबान मुबारक करे ते रब अपने खजानिया चो वाफ रिज़्क अता करदा रहे। हां किहड़े वाजिब बजाने ने छुरियां पटाके चलाने ने या रिश्वतां माल खाणा या रिश्वतां दे के जायज़ नजायज़ काम करवाने सानूं हुण वेहलिआं नूं काम की है रब दे घर दा चक्कर ला लिया इस तों वध के सादत हो ही कोई नहीं सकदी। बड़ी सोहणी तबीयत है जमजम का पानी पी रहा तबीयत शाश विशाश से बंदा उठदा है ना चेहरा खिलिया खिले इसे तरह ख्वाब हुंदी है। ख्वाब च सप्प डंग मारन डिया या कोई जहरीलियां चीजा डरा रही ने या कोई भी खतरनाक जानवर मगर चढ़े ने तो बंदा जो अखा खोलता है पसीने का शरा पूरे जिसम थकिया पिया है थकिया पिया है इसे तरह कबर की जदा ते सदा का मामला है। बस ये मोटा जहा मसला याद है कि कबर की जजा और सजा बे ऐने ही जिस तरह बंदे को ख्वाब होता है ना ते बज़ाहर भी बाज़ तकलीफ या दर्द बाज़ होता है कि बंदा ख्वाब च खाना खा रहा है ते तो हकीकत अख खुले ते वाकई भुख बहुत ज़्यादा लगी होती है इस तरह होता है या सौ नॉर्मल हालात ने मैं तफसील अंदर नहीं जाना चाहता। आपने फरमाया ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਜਨਾਬ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੱਪ ਔਰ ਪਿੱਛੂ ਜਹੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ 50,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੱਪ ਔਰ ਪਿੱਛੂ ਔਰ ਠੁਮੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ एक नौजवान लड़की फौत हुई दफन दफन का इंतजाम किया गया दफना के घर वापस आए तो इहदा भाई नौजवान सी उहने आसे पासे वेख्या ते जेब च जिहड़ी कीमती अशरफियां वाली दिरहम दिनार वाली थैली सी ओह कोई ख्याल आया थैली किधर गई किसी जेब कट ली या कोई मामला माजरा बन गया। ओहो जदों मैं मिट्टी दे टप ला रहा सां ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਔਜ਼ਾਰ ਲਏ ਕਈਆਂ ਲਈਆਂ ਕੁਦਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਟੱਪ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਛੋਲੇ ਪਈ ਮਾਰ ਦਈਏ ਅੱਗ ਬਲਦੀਏ ਪਈ ਕਬਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਡਰ ਗਿਆ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੋ ਕਸੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਮਗਰ ਲੇਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮਗਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਐਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪ ਢੂੰਢਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੀਰੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕਲ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਚਲੋ ਸੱਚ ਹੀ ਝੂਠੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਤੰਗਿਆ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਲੈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਤਨ ਉਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।